दोस्तों आपके सामने बहुत ही आज धमाकेदार प्लान लेकर आया हूँ। बहुत ही बेहतरीन प्लान होने वाला है और इसमें सिमिलरिटी आपको बाहर से देखने को मिलेगी। अगर आप यहाँ पर दो भाइयों के लिए भी मकान बनाएंगे तो वो भी मैं मेथड बता दूंगा। हालांकि ये एक भाई के लिए पूरा प्लान बना हुआ है। फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो आपको बहुत ही खूबसूरत और यूनिक देखने को मिलेगा। ये प्लान जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ वो एक रिकमेंडेड प्लान है। हमारे एक पेड यूजर हैं, उन्होंने हमें कॉन्टेक्ट किया था। उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये हाउस क्रिएट किया गया है। जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी, जो उनकी चाहत थी, उनको जितने बेडरूम चाहिए थे, लेट बाथ कहाँ चाहिए था वगैरह, ये सारी उनकी रिक्वायरमेंट थी। उनका फ्रंट एलिवेशन का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए उन्होंने हमें बताया था। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसे घर बनवाना चाहते हैं, पेड सर्विस का हमारा इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप हमें वहाँ मैसेज करें, मैं आपसे कॉन्टेक्ट करूँगा, बात करूँगा, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका हाउस क्रिएट करता हूँ। लेकिन वहाँ पर दोस्तों आपको पे करना होता है 50% पहले और 50 बाद में, इसका विशेष ध्यान रखें। आज का जो प्लान होने वाला है 36x36 में ओवरऑल मकान मैंने डिवाइन बनाया हुआ है और बहुत ही खूबसूरत प्लान होने वाला है। तो दोस्तों आप चैनल को, स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब कर लें। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको मैं ले चलूँगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ये देखिए दोस्तों कितना बेहतरीन सा प्लान होने वाला है। फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो आपको बहुत ही खूबसूरत मिलेगा। इसका जो आपको पोर्च मिलता है वो भी बहुत बेहतरीन मिलता है। गुमटी जो कि स्टेयर्स ढकने के लिए, वो भी आपको एक बहुत ही खूबसूरत प्लान मिलेगा। फ्रंट एलिवेशन तो आपका बहुत ही खूबसूरत है, हालांकि 3 साइड क्लोज्ड है। अगर आपका 3 साइड से ओपन है, मतलब कि चारों साइड से ओपन है, तो आप चारों तरफ विंडो दे सकते हैं, बेडरूम जहाँ जहाँ पर है, जहाँ पर किचन है। अन्यथा अगर फ्रंट से ही ओपन है तो आप ऐसा ही प्लान रहने दें। तो मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, इससे आपको और इसका रियलिस्टिक व्यू समझ में आ जाए। तो ग्रिल देखिएगा, बहुत ही नॉर्मल सा ईंटों का ही ग्रिल है, बस उसमें डिजाइन आपके कटे हुए हैं जो कि ओवल शेप में है, सर्कुलर शेप में है। अब बात करते हैं फ्रंट एलिवेशन की। तो ये स्टेयर्स हैं जहाँ से ऊपर जाएंगे। ये आपका दोस्तों मैंने गार्डन के लिए कुछ एरिया छोड़ रखा है, यहाँ पर डिपेंड करता है। दोनों तरफ विंडो है क्योंकि दोनों तरफ बेडरूम्स है, तो दोनों तरफ विंडो है। विंडो का अलग कलर कॉम्बिनेशन भी मैंने दिया है। मेन डोर आपका ये होने वाला है। मेन डोर के दोनों साइड, लेफ्ट और राइट, आपको वेंटिलेशन के लिए ग्लास का विंडो भी मैंने दे रखा है। अब हम इसके बात करते हैं फर्स्ट फ्लोर की। मैं पहले हालांकि इसका ग्राउंड फ्लोर ही आपको जूम करके दिखाता हूँ, मतलब कि दोनों फ्लोर देखिएगा। छत का कलर मैंने ऐसा पिंक टाइप का रखा है, यह आप डिपेंड करता है कलर क्या रखना चाहता है। बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर की। तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर है जो कि मैंने ओवरऑल में यहाँ पर क्रिएट किया। सबसे पहले दो पिलर हैं, उसके ऊपर बीम पर ये देखिएगा रेक्टेंगुलर कलर के आपके होल हैं जो कि एक डिजाइन के पर्पज़ का काम करता है। इसके दोनों लेफ्ट और राइट साइड बेडरूम्स हैं। इसके बाद स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर जाएंगे तो आप आ जाते हैं पोर्च में। पोर्च से आपकी लेफ्ट और राइट जो दोनों विंडो है ना, दो बेडरूम से दोनों तरफ आपकी एंट्री होती है। आप बाहर से भी एंट्री कर सकते हैं, इधर भी एंट्री कर सकते हैं। मेन डोर आपका ये है जहाँ से एंट्री करेंगे। इसके बाद आप आ जाते हैं डाइनिंग हॉल में। डाइनिंग हॉल में आते ही आपका देखिएगा पीछे 3 बेडरूम, जैसा कि आपको पता 36 फिट इसकी चौड़ाई है और 36 ही लंबाई है। सिर्फ ये 3 फिट, 3 से 4 फिट जो मैंने एक्स्ट्रा कवर्ड किया है ना पोर्च के लिए, वो अलग है। तो ये 12-12 फिट के अप्रॉक्स में बेडरूम बन जाते हैं। ये देखिए इसमें दीवार भी इंक्लूड है, वॉल भी इंक्लूड है। इसके बाद अगर बात करें, इधर आपकी स्टेयर से जाती है, टर्न हो जाती है इधर के लिए और उसी के नीचे बड़ा सा लेटेंट बाथ बनाया है। इधर जस्ट सामने की बात करें तो ये आपका किचन है और ये आपका पूजा घर है। आप इसे इंटरचेंज भी कर सकते हैं, ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो ओवरऑल यहाँ पर 5 बेडरूम आपके बने हुए, किचन, पूजा घर, लेट बाथ, स्टेयर्स, डाइनिंग हॉल, पोर्च और एक बेहतरीन सा फ्रंट एलिवेशन जो आप देख पा रहे हो। ये देखिएगा, मैं और जूम करता हूँ इससे और आपको रियलिस्टिक चीज़ें समझ में आ जाएँ, प्रॉपर चीज़ें समझ में आ जाएँ, एक बेहतरीन सा डिज़ाइन आपको समझ में आ जाए। टॉप व्यू मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, टॉप व्यू आप देखिएगा जिससे आपके घर को और भी चीज़ें समझ पाएँ। बात करते हैं वहीं लास्ट फ्लोर की। तो जैसा कि आपको पता है 3.5 फिट का चारों तरफ बाउंड्री वॉल, ये स्टेयर्स को ढकने के लिए गुमटी, साथ साथ मैंने यहाँ लेटिन बात वाला एरिया भी कवर्ड किया है, पूरा एक साथ बना दी। हालांकि मैं यहाँ पर डोर लगाना भूल गया हूँ, तो दोस्तों आप यहाँ पर डोर लगा लीजिए, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये ग्रिल का जो डिज़ाइन है, ये आप देखिएगा इसमें POP का वर्क है जो आपको एक बेहतरीन लुक देता है। अब हालांकि मैंने यहाँ पर स्टेयर्स दी थी, बट यहाँ पर ग्राउंड आपका ग्रीन एरिया है तो आप यहाँ से भी चढ़ सकते हैं। साइड से भी मैंने स्टेयर्स दिए हैं, फ्रंट से तो आपकी स्टेयर्स बनी ही हुए हैं। तो ये 36x36 का बेहतरीन सा प्लान बनकर रेडी हो जाता है।
तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ कि आपके आपको हमारे प्लान पसंद आते होंगे। अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट किया करें, आप हमें बताया करें कि सर इस पर प्लान आप हमें क्रिएट करके दीजिएगा। हालांकि सभी के प्लान क्रिएट करना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट मैं किसी न किसी का रैंडम प्लान ज़रूर क्रिएट करूँगा। और आप हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोस्तों मेरा एक एप्लीकेशन उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उससे इस्टीमेट कॉस्ट पता चल जाएगा कि इस मकान का कॉस्ट क्या होने वाला है। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ स्मॉल हाउस प्लान को आप सब्सक्राइब अभी से कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो लगातार मिलते रहता है। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।